फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्लोटिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट है क्या, हम क्यों तो यूज़ करें फ्लोटिंग पॉइंट। जो मैं डेटा टाइप में आपको कह रहा था फ्लोटिंग पॉइंट, हमारे पास इंटीजर हो गया तो हम फ्लोटिंग पॉइंट्स की वैल्यू क्यों यूज़ करें। आप इस वीडियो के साथ बने रहें, इन दी एंड आपको पता चल जाएगा कि हमें फ्लोटिंग पॉइंट्स की वैल्यू क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर सुकूनर और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग आई में। फ्रेंड्स, फ्लोटिंग पॉइंट में जस्ट सिंपल आपको ये बता दूं, अ नंबर कंटेनिंग अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड रियल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। वो नंबर जो पॉइंट की वैल्यूज स्टोर करें या डेसिमल वैल्यूज स्टोर करें उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। इंटीजर्स होते हैं होल नंबर, आप उनमें पॉइंट की वैल्यूज नहीं दे सकते, लेकिन इनमें आप वैल्यूज दे सकते हैं पॉइंट वाली भी। अब इनमें हमारे पास आ जाती हैं दो चीज़ें, फ्लोट और डबल। फ्लोट की एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, एग्जांपल में क्या है कि 1, 2, 3 लिखा आपने, उसके बाद डॉट 1, 2, 3 एफ। ये एग्जांपल में मैंने कोई भी नंबर ले लिया, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी लिख सकते हैं। डबल में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, डबल में हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज जो होती हैं वो हम थोड़ी ज़्यादा दे सकते हैं। साइज़ में भी फ़र्क हमारे पास देख सकते हैं, फ्लोट की साइज़ है 4 bytes, डबल की है 8 bytes। अब फ्लोट क्या करता है, स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स, और फ्लोट डबल भी क्या करता है, स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स। अब डिफरेंस क्या है, ये क्या है, सफिशिएंट फ्रॉम स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट। अब इसमें 7 to 8 डेसिमल डिजिट आप सफिशिएंटली दे सकते हैं, और डबल में क्या होता है कि स्टोरिंग कर सकते हैं हम 15 डेसिमल डिजिट सफिशिएंटली। ये क्या करता है, 15 जो है डेसिमल डिजिट स्टोर कर सकता है। बस यही मेन डिफरेंस है हमारे पास फ्लोट और डबल में। और इसमें ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज़ क्यों यूज़ करते हैं। ज़्यादा हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने में हमारे पास ये क्लियर हो गया कि ये एक्चुअल में है क्या। तो बस अब हम क्या करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी थी उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो थी, अब ये दो वीडियोज़ में हमारे पास ये तो कवर हो गया कि न्यूमरिक जो टाइप्स थी वो कौन सी हो गई। अब हम आते हैं नॉन न्यूमरिक डेटा टाइप्स पे, जो नॉन न्यूमरिक है वो कौन सी है वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। जैसे कि करैक्टर और बोलियन, नेक्स्ट में हम करैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फर्दर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।